Welcome back to my channel Always Natural और मैं हूँ नामिका। और आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा DM आ रहे थे कि कोई भी अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट आप दिखाइए जिसमें ग्लिटरी शेड भी हो, न्यूड शेड भी हो, मतलब काफ़ी सारे शेड्स हों जो हम यूज़ कर पाएँ, जिसके लिए मतलब हमें और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा पैलेट की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी कोई पैलेट आप बताइए। तो मैंने आई शेडो की ऐसी पैलेट कुछ टाइम पहले ऑर्डर की थी, तो मुझे आज रिसीव हुई है। इनफैक्ट एक दो घंटे पहले ही रिसीव हुई है ये पैलेट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से आप लोगों के साथ इसका रिव्यू और डेमो शेयर किया जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में एक बेल आइकन होगा उसे भी जरूर दबा लें ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर ये ब्यूटीफुल सा मेकअप आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, तो हो सकता है ये पहले जाए वीडियो से या बाद में जाए, ये देखते हैं आगे, लेकिन नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर की थी ये वाली पैलेट, कितनी ब्यूटीफुल है ना, पैकेजिंग ही इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। सबसे पहले ब्रांड नेम बता देते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कलर बोर्ड और यहाँ पर लिखा है ब्यूटी ग्लेज्ड। एक्चुअली मैं इसको पहले गजल पढ़ रही थी, फिर मैंने ध्यान से देखा नहीं गजल नहीं है ये ग्लेज्ड है। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, मतलब कार्डबोर्ड टाइप का यहाँ पर पैकेजिंग है। और जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो भी एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया था। ये अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं आप, साथ ही फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और साइड आई थिंक नायका वाइका पे भी होगा, मुझे नायका का कंफर्म नहीं है, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही ये अवेलेबल है। ये मुझे एक्चुअली एक बबल रैप में आया था जो कि मैंने निकाल दी, क्योंकि मुझ पर रहा नहीं गया इसको देखने के लिए, तो मैंने फटाफट ये इसको अनबॉक्स कर लिया। तो वैसे भी अनबॉक्सिंग लगभग सभी की सेम होती है, उसको मैं क्या दिखाऊं। तो सीधे हम इसकी रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है, एक्चुअली आई थिंक आपको इस तरफ से सीधा दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है, जैसा कि आपको दिख रहा है ब्लैक और बहुत सारे कलर इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं, और यहाँ से ही ये ओपन होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पैलेट है, लगाना आपको झटका कितना प्यारा पैलेट है, मतलब इसमें आपको ढेर सारे शेड्स मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो सोच के ही ये ऑर्डर किया था। तो इसमें ढेर सारे आपको शेड्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए ग्रीनिश वाला कुछ शेड है, इसमें आपको सारे ही ग्रीन कलर मिल जाएंगे। ये ग्लिटरी शेड भी मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, और लगभग सी ग्रीन वगैरह सारे ही शेड इसमें आपको अवेलेबल है। और कुछ आपको यहाँ पर जो ग्लिटर शेड है वो भी यहाँ पर तीन इसमें ग्लिटर शेड भी दे रखे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला देखिए, अब मैंने ये यहाँ पर करा, तो अगला जो है इसमें आपको पिंक, रेड, साथ ही आपको गोल्डन शेड मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये वाला। तो इसमें आपको लगभग सारे ब्लू शेड मिल जाएंगे, देखिए ग्लिटरी शेड भी इसमें दो दे रखे हैं। ये मतलब कुछ ज़्यादा अगर ग्लिटरी आप चाहते हैं तो ये वाले शेड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइट कुछ चाहते हैं, सिर्फ मतलब आपको मेटैलिक टाइप का कुछ शेड चाहिए तो कुछ इस टाइप का, मतलब मेटैलिक, मतलब मेरा मैं एग्जैक्ट शायद बोल नहीं पा रही हूँ इसको, मतलब जो लाइट एकदम ग्लिटर होता है ना वो वाला, स्पार्कल जो होता है हल्का सा वो वाला इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ मतलब जो आपको थोड़ा सा चंकी पार्टिकल टाइप के होते हैं उस तरीके के ये वाले शेड है ये, और ये वाले ये लाइट सा सिमरी शेड है, शिमरी शेड आई थिंक सिमरी बोलते हैं, तो ये शिमरी शेड है यहाँ पर। अब ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और बाकी है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का पर्पल शेड मिल जाएगा, मतलब ट्रेंडिंग है वो सारे शेड्स मिल जाएंगे। ये मेटालिक शेड है, आपको पर्पल मिल जाएगा, पर्पल का अगर आप थोड़ा सा हल्का शिमर में चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। रोज गोल्ड कलर है तो वो भी मिल जाएगा, ये वाइट कलर में भी आपको मिल जाएगा, मतलब सिल्वर कलर में। तो इसमें बहुत ज़्यादा शेड है जो कि आपको ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये एक कम्प्लीट पैलेट है जिसमें आपको सारे ही शेड मिल जाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से सारे ही शेड आपको मिल जाते हैं, और जितना मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आने वाली है ये। तो अभी तो मैंने इसकी पैकेजिंग और इसकी शेड्स की बात की है, अब देखते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन पे ये खरा उतरा भी है कि नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं इसके कुछ शेड पिक कर रही हूँ, बाद में आपको ग्लिटर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। मतलब लोग हाथ पे अप्लाई करके दिखाते हैं, शायद हाथ पे चिपक जाता होगा, लेकिन मैं आपको अपनी आईलिड पे ही अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम कुछ शेड यहाँ से पिक कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं ये वाला,
ये देखिए कुछ शेड मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ, और ये रहा। तो मैंने अभी यहाँ पर 3 शेड पिक किए हैं, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैं पिगमेंटेड नहीं बोलूँगी, मतलब नॉर्मल पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। और देखिए मैंने जब इसको लिया तो इसमें ये वाला ब्रेक भी हो गया, जो येलो वाला है ना, ये ब्रेक हो गया, क्या कर सकते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, आगे सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट नॉर्मल पिगमेंटेड है, इतना चल जाता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की है तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आएगा। वाह, ये वाला ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा है, शायद वो लाइट कलर है इसलिए पिगमेंटेड नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला देखिए काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ब्लू कलर शेड भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये भी ट्राई कर लेते हैं, आई थिंक मुझे ये यहाँ ट्राई करना चाहिए। तो ना पिगमेंटेड है, मतलब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है कि नहीं है, तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और मुझे लगता है इतने बजट में इतना ही मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने बाय किया है 469 में। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 469 में ही बाय किया है मैंने इसे। अब मैं आपको इसमें कुछ ग्लिटरी शेड अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो मेकअप किया है इसी के अकॉर्डिंग कुछ अप्लाई करके दिखाते हैं। तो मैं यहाँ से ये ग्रीन वाला है, जो ये वाला पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लेते हैं। वाओ, मैं सोच रही थी कि ये ग्लिटरी शेड भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट सच में ये बहुत अच्छा है, और बहुत आसानी से ये एक फिंगर की हेल्प से प्लेस हो गया। ये देखिए दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा लिया है। ये देखिए कितनी जल्दी आसानी से ये यहाँ पर सेट हो गया। इसके अलावा भी मैं कुछ और आपको दिखा देती हूँ। ये वाला शेड ले रही हूँ, ये देखो कितने अच्छे से प्लेस हो रहा है। कैमरा थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अदरवाइज इसका शेड बहुत प्यारा है। ये देखिए कितना प्यारा है इसका शेड लग रहा है। मैंने आपको जो ग्लिटरी वाला अप्लाई करके दिखाया है, उसको देख के आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ग्लिटर के लिए ये लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से बिग यस है, बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। लेकिन बाकी सारे शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, लेकिन उतने कम भी नहीं है कि काम ना चल पाए। बट ग्लिटर के लिए लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने ग्लिटरी वाले पैलेट देखे हैं, वही 1400-1500 के आते हैं। लेकिन ये आपकी इतनी महंगे में नहीं जाना पड़ेगा, आपको बहुत ही कम बजट में आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फिल कर देगा। तो आप ये ले सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक शेड मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो मैं इसको अपनी कहाँ अप्लाई करूँ, ये देखिए दिखाना, मतलब अगर आप कुछ कलर अच्छा चाहते हैं ना, तो ये देखिए मैंने फैला दिया है इसमें, देखिए कितना अच्छे से ये अप्लाई हो गया। तो मेरी तरफ से बिग यस है, बहुत अच्छा पैलेट है, आप ज़रूर बाय कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।